लो वो पेन लाके दोगे? ये इतना ही बढ़ाएगा क्या? वो बड़ा कैसे करोगे? शब्द भी थोड़े से अलग ढंग से आ रहे हैं। हाँ ये इस पे आ रहा है? नहीं क्या है? पीडीएफ से खोले हो? पीपीटी खोले हो? पीपीटी अगर पीडीएफ खुल जाए तो उसका पीडीएफ है क्या है उसका? चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। और कल थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था आपको, जितने भी लोग लाइव यूट्यूब पे हैं तो भी गुड मॉर्निंग, बहुत सारे मैसेज भी आए हैं, गुड आफ्टरनून, कोई बात नहीं भाई सभी गुड आफ्टरनून। शशि भूषण बेरोजगार, कब स्टार्ट होगा सर? क्या स्टार्ट करना है भाई? मधेपुरा की धरती से प्रणाम। क्लास स्टार्ट करना है? चलिए मैं क्लास नहीं करता हूं भाई, मैं बेवकूफ बनाता हूं, आज फिर आप लोग को बेवकूफ बनाऊंगा। और ऐसे ही आप लोग को जाके एग्जाम में पेपर वालों को बेवकूफ बना के चल, ये दुनिया ऐसी है जो जितना ज्यादा बेवकूफ बनाता है उतना ही ऊपर जाता है। बेवकूफ बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आप सामने वाले को अपनी बात समझा सके, तभी आप बेवकूफ बना सकते हैं, वरना बेवकूफ नहीं बना सकते। लोगों ने घोषणा कर दी 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, मिला चाहे नहीं मिला, उनको जो चाहिए था मिल गया। लोगों ने घोषणा की 10 लाख रोजगार देंगे, बाकी किसी को मिला चाहे नहीं मिला, लेकिन उनको जो मिलना था मिल गया। तो हम लोग को खैर, देखो एक चीज बता दें, नौकरी बहुत बड़ी चीज नहीं होती, तभी तक बड़ी है जब तक आपको नहीं मिली, क्योंकि आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं वहां नौकरी बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपके पास रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं, जीवन यापन का कोई दूसरा साधन नहीं। अगर आप तेजस्वी जी से कहेंगे कि चलिए आपको हम आईपीएस बना देते हैं, तो शायद वो आईपीएस ही बनना पसंद नहीं करेंगे क्या? क्यों? आप आईएएस बना दीजिए, बनना पसंद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? उनको रोजी रोटी के लिए सोचना नहीं है, उनको समाज में अपने इज्जत के लिए सोचना नहीं है, हमें आपको सोचना है। क्योंकि हमारी सोच ही इतनी छोटी बना दी गई कि हम कभी भी मालिक बनने के बारे में नहीं सोचते, हमेशा किसके बारे में सोचते हैं? नौकर। क्या करोगे बेटा? जोर से बोलो, क्या करोगे? क्यों भाई मालिक क्यों नहीं बनोगे? साधन है, हमारी सोच नहीं। जिस दिन हमारी सोच हो जाओगी, देख लो दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े लोग बने हैं, इस कोरोना काल में तो बहुत सारे छोटे लोग बहुत बड़ा बन गए, ठीक है, लेकिन बस एक ही अंतर था, उनके पास सोच है, हमारे पास सोच नहीं। पहले हम भी यही सोचते थे कि नौकरी सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि जिस समाज में हम लोग रहते हैं अगर नौकरी नहीं करोगे तो शादी भी नहीं होगी। अपनी शादी के लिए मैं खुद ही बात करने गया अपने ससुर जी से, हाँ लव मैरिज किया हूं मैं तो ससुर जी से मेरी बात हो रही, अच्छा वो भी मैं ईस्टर्न यूपी का, वो वेस्टर्न यूपी के, तो वो सारे लोग ये समझते हैं कि मैं बिहारी हूं, और हमारे घर वाले उनको सोचते हैं कि सब हरियाणा वाले हैं, जबकि दोनों यूपी के ही हैं। तो मैं उनसे बात करने के लिए गया, दोनों स्पष्ट रखा कि मैं भाई उसी लड़के से शादी करूंगा जो सरकारी नौकरी करता, क्योंकि मुझे कार्ड में लिखना है कि लड़का जो है अच्छा सरकारी नौकरी करता है। तो हमने कहा कि बस इतनी शर्त है? कहा हाँ। हमने कहा ठीक है, मिलते हैं फिर कुछ दिन बाद। मिले, सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लिया। हमने कहा ये सब है, आप आके डिपार्टमेंट में पूछ सकते हैं कि मैं काम करता हूं कि नहीं करता हूं, बाकी ये सारा का सारा ये हमारी सैलरी का भी है, हमारे अकाउंट अभी भी पटना सेक्रेटरीट का ही है, एसबीआई का। हमने कहा ये सारी चीजें हैं, अब आपको पसंद है तो बोलिए,
लेकिन एक चीज आपको मैं बता दे रहा हूं, उन्होंने कहा क्या, सिर्फ शादी करने के लिए नौकरी किया हूं, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, अगर आपको मंजूर है तो बोलिए। कहा ठीक है, तब कोई दिक्कत, जब तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो तुम आगे जीवन में बहुत कुछ कर लोगे। हमने कहा बस, खाने पीने की वहां भी दिक्कत नहीं थी, खाने पीने की हमारे यहां भी दिक्कत नहीं है, उनके यहां सिर्फ लड़कियां ही थी, मेरे यहां सिर्फ लड़के ही थे। हमने कहा कि प्रॉपर्टी भी काफी है, कुछ नहीं करेंगे तब भी व्यवस्था चल जाएगा। तो कुल मिला के मेरा बस यही कहना है कि शादी करने के लिए भी आपको नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन जिस दिन तुम नौकरी पा जाओगे, असली लड़ाई उस दिन से शुरू होगी। जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी, असली जिंदगी आपका तब शुरू होगा। अभी तो आप बहुत दुनिया की सबसे अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आपको भले लगता हो कि लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, बट आप जो है दुनिया की सबसे अच्छी लाइफ यही होती है कि बस नौकरी की जो हम तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको लगता होगा इससे थोड़ी सी बढ़िया आपकी और लाइफ आएगी। अचानक आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा तो समाज में रातों रात आप हीरो सुपरस्टार बन जाएंगे, जहां भी जाएंगे लोग आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे कि साहब यही वाला है क्या, हाँ यही वाला, इसी का इस बार हुआ है। हाँ, तो कई लड़कियों के बाप बहुत ध्यान से आपको देखेंगे ऊपर से नीचे तक, कुछ पास आके बैठेंगे भी। एक कॉमन फिनोमेना है, ये कोई बहुत स्पेशल चीज नहीं है, आपको लोग, आप जाएंगे समाज में तो बैठने के लिए कुर्सी भी दे देंगे कि लीजिए साहब बैठिए, नाश्ता भी सबसे पहले आपके लिए आ जाएगा। बस ये कुछ दिनों तक, जिस दिन तक आपकी शादी नहीं हुई है अभी तक, कुछ दिन का है ये, क्योंकि ये दुनिया जो है किसी को चैन से रहने नहीं देती। अभी आप घर जाते होंगे तो सबसे आपसे यही प्रश्न पूछा जाता होगा, बेटा कब तक, और इस प्रश्न का जवाब आप दे नहीं पाते। लेकिन एक दिन आपको नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिलने के बाद फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आखिर कब तक, पूछेंगे क्या कुंवारे रहोगे, शादी आप ही लोगों ने करवानी है, फिर आपकी शादी हो जाएगी, फिर एक साल बाद, आखिर कब तक। क्योंकि आप पे प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो जाएगा, कहेंगे बस बस खुशखबरी मिलने वाली। फिर लोग पूछेंगे एक दूसरा कब तक। फिर आप जवाब देंगे साहब इतना अभी थोड़ा सा जीवन आपका चलेगा, उसके बाद शुरू होगा फिर अगला प्रश्न, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा तब उसके लिए स्कूल में एडमिशन की तैयारी होगी, तो लोग आएंगे फिर उसको देखे पूछेंगे कब तक, क्या स्कूल में इसका एडमिशन होगा, वो चीजें शुरू हो जाएंगी, फिर वो लड़का आगे बढ़ेगा, अब वो क्या कर रहा है फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका बेटा क्या कर रहा है, तुमको क्या टेंशन है साला, तब से लेके अब तक सारा काम करा दिए तुम लोग, अब फिर पूछ रहे हो कि कब तक। और जब उसके भाग्य में होगा उसको नौकरी मिलेगी, नौकरी उसकी मिल जाए फिर अगला प्रश्न आएगा कब तक उसकी शादी कराओगे, ये सारा कब तक खत्म होने वाला नहीं। इसी कब तक में हमको अपने जीवन से कुछ समय निकालना है जो हम अपने को दे सकें, अपने लिए कर सकें। ये सारा काम जो तुम कर रहे हो ना, ये पढ़ाई लिखाई, ये तुम्हें लग रहा है कि तुम जो है अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे हो, दूसरों के लिए कर रहे हो। नौकरी भी तुम करोगे ना तो उससे तुम्हें सिर्फ सैलरी मिलेगी जिससे तुम्हारा जीवन यापन चलेगा, काम तब भी तुम दूसरे का ही करोगे, अपना कोई काम उसमें नहीं होने वाला। और कमाओगे भी ना तो सैलरी जाके दूसरे के खाते में चला जाएगा, पत्नी जी ही संभालेंगी, और फिर लोगों ने, लोग पूछेंगे और आप कहेंगे कि साहब बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तब भी तुम अपने लिए कमाओगे नहीं। यही एक मध्यम वर्गी का जीवन होता है, और इसी में हम लोग जो है अंतिम घड़ी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हम लोग को कोशिश करना है कि आपको कुछ अपने शौक जिंदा रखने हैं। आप में से किसी के कोई शौक है कि नहीं पढ़ाई के अलावा? किसको लगता है कि उसका शौक सबसे डिफरेंट है, हाथ उठाओ। हाँ बोलिए साहब, रोना, ये शौक नहीं होता, ये पागलपन होता है।
गधे कुत्ते सुअर घोड़ा बकरी भेड़ ये सभी तो सोते ही है ना, नहीं सोते। तो ये शौक क्या हुआ, ये तो मजबूरी है, शौक है और किसी को, क्योंकि हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं हमको ये भी नहीं मालूम कि शौक क्या होता। हॉबीज हम लोग को मालूम, आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि हॉबीज क्या होता, क्योंकि हमें अपने बारे में जीवन जीने के लिए कभी सिखाया ही नहीं गया, क्योंकि हमारे पिताजी भी हम लोग के लिए जी रहे थे और हम अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, आप अपने लिए नहीं जी रहे। वो तो गनीमत है कि आप एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो थोड़ा सा ऑल इंडिया में घूम लेते हैं ट्रेन पे खड़े होके और स्टेशन पे सो के, वरना बहुत सारे शहरों का आपको दर्शन भी नहीं हो पाते। वो तो रेलवे का फॉर्म जो भर देते हैं तो कोई उड़ीसा, कोई भुवनेश्वर, कोई हैदराबाद घूम आता है, हाँ यहाँ गए हैं। कहाँ गए हो? तो ट्रेन से बैठ के स्टेशन पे गए हैं और स्टेशन से चले गए सेंटर पे, और ट्रेन अगर लेट रही तो थोड़ा बहुत घूम फिर लिया, और नहीं तो फिर वापस स्टेशन और स्टेशन से घर। कोई पूछा, हाँ हैदराबाद दो बार गए? अच्छा भुवनेश्वर तीन बार गए? क्या करने गए हो? रास्ता नापने। चलिए कभी आपको मैं शौक पे बात करूंगा, जिंदगी में बहुत सारी चीजें सीखनी है। ये क्या खोल दिए हैं लोग, खोल के भाग गए हैं लोग, ये बड़ा नहीं होता है, होता है। देखो एक बार ऐसे किया और फिर ऐसे कर दिया, अच्छा अब टच किया, अच्छा ये अरे इतना काहे के लिए मेहनत करवा रहे हो भाई हमसे, हमारा सिस्टम इतना सब नहीं कहता, उसी बार बोलते हैं बड़े हो जाओ, हो जाता तो करना पड़ रहा। चलिए ट्राई कर लेता हूं एक बार, इसी मामले का टाइम चलता रहेगा तब तो चलो कोई दिक्कत नहीं। मैं कुछ टॉपिक आपको और पढ़ाने वाला था लेकिन कुछ और खुल गया है तो यही पढ़ा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपका क्वेश्चंस पेपर देख रहा था, आप लोग तो नहीं देखते होंगे लेकिन मैं आप लोग के लिए सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखता हूं कि कौन कौन सी ऐसी चीज है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपके एग्जाम में वो प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है, इसका उद्देश्य है कि एग्जाम में आप मैक्सिमम प्रश्न सॉल्व कर पाए, और उसी लिए हम लोग एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं ताकि इतने कम समय में हम आपके लिए बेहतर काम कर सकें। तो बेहतर तभी हो सकता है, जैसे कई बार आप लोग बहुत सारी स्टोरी सुनते होंगे कि मैं भी बहुत सारी किताबें पढ़ाऊं कि अगर पेड़ को काटना होता है ना और चार लोग हैं और उनको जो है कुल्हाड़ी थमा दीजिए, जो समझदार व्यक्ति है वो पहले क्या करता है मालूम है? क्या करता है? हाँ, कुल्हाड़ी को शार्प करता है, अपना पूरा टाइम मैक्सिमम टाइम कुल्हाड़ी को शार्प करने में लगाता है, और एक बार वो शार्प कर लेता है, उसको नुकीला कर लेता है, उसको बढ़िया कर लेता, धारदार कर लेता है, उसके बाद दो से चार मिनट मेहनत करेगा तो उस पेड़ को मार के क्या करेगा? गिरा देगा। लेकिन बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में ये काम नहीं करते और कुल्हाड़ी उठाते हैं और मारना शुरू करते हैं और काफी देर लग जाता है और पेड़ गिरता नहीं। यही एग्जामिनेशन में भी होता है, कॉम्पिटिशन भी होता है। हम लोग कॉम्पिटिशन में बहुत सारी चीजें समझ नहीं पाते। एक तो पहली चीज है कि आपको अपनी शार्पनेस बढ़ानी, दूसरी चीज है कि आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। अगर आपका डायरेक्शन सही है तो हो सकता है टाइम लगे लेकिन आप अपने लक्ष्यों को पा जाएंगे। जैसे यहां से गांधी मैदान जाना है और आप पैदल भी हैं लेकिन आपका डायरेक्शन सही है तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे। और आपको जाना गांधी मैदान है और मैंने आपको थमा दिया कि साहब ये लीजिए मर्सिडीज ले लीजिए, लेकिन डायरेक्शन आपका गलत है तो चले जाएंगे आप जो है गांधी सेतु गांधी मैदान पहुंच, और फिर वहां से ऑल इंडिया टूर भी कर लेंगे लेकिन जहां पहुंचना है वहां पे पहुंच नहीं पाएंगे। आप ये सोचिए कि लाखों करोड़ों लड़के फॉर्म भर रहे हैं, सबको तो नौकरी मिलेगी नहीं, लेकिन उसी में आपका भी कॉम्पिटिशन है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार में ही नौकरी पा जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई साल बीत जाता है नौकरी, उनमें बस एक ही डिफरेंस है, डायरेक्शन उनका सही। और डायरेक्शन क्यों नहीं सही है?
वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व तो करते हैं लेकिन कभी उसका ट्रेंड पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्या ट्रेंड होना चाहिए, क्या अगले एग्जाम में आ सकता है। और हमेशा हम एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाते हैं। और क्यों सॉल्व करके जाते हैं कि अगर वो आ गया तो वो हम सही कर देंगे, कभी ये नहीं सोचते कि इसमें बदल जाएगा तो हम क्या करेंगे। और जीएस के साथ सबसे बड़ी चीज यही है कि ये ट्रेंड होता है पिछले साल का, लेकिन ये बार बार चेंज होता रहता है। तो वही सारी चीजें मैं चूंकि पेपर पढ़ता रहता हूँ, आपका बुक्स भी हमारे पास बहुत सारी आती रहती हैं, जीएस की सबसे ज्यादा किताबें होती हैं मालूम है आपके पास, दुनिया में सबसे ज्यादा नॉलेज जीएस के टीचरों के पास होता है, सबसे ज्यादा नॉलेज। ठीक, उसके बाद दूसरा व्यक्ति जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज होता है वो होते हैं पत्रकार, पत्रकारों के पास खूब नॉलेज होता है। तीसरे लोग जिनके पास खूब नॉलेज होता है वो होते हैं वकील, वकीलों के पास खूब नॉलेज होता है। तो मैं पत्रकार तो नहीं हूं लेकिन टीचर भी हूं और वकील भी हूं, तो नॉलेज की कोई कमी हमारे पास नहीं। और इन लोग के साथ सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये हमेशा तीन लोगों से पूछोगे क्या करते हैं तो उनका एक ही जवाब रहता है। जैसे वकील से पूछोगे तो कितना भी सीनियर वकील हो जाएगा वो कहेगा साहब प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं प्रैक्टिस। डॉक्टर कितना भी सीनियर हो जाए उससे भी पूछोगे तो क्या आंसर देता है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कितना बड़ा भी म्यूजिशियन हो जाए उससे पूछेंगे तो बोलेगा कि रियाज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लता मंगेशकर 80 साल की उम्र में भी रियाज करती थी, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि नई नई चीजों को सीखते रहना, और जो व्यक्ति नई नई चीजों को सीखता रहता है वो एक ना एक दिन सफल होगा ही होगा। एक तो डायरेक्शन हमारा सही हो, मेहनत बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। लोग सोचेंगे मेहनत बहुत करें, नहीं, मेहनत सुबह 4 बजे उठ के कूड़ा वाला भी करता है लेकिन कूड़ा में उसकी जिंदगी बीत जाती। हमको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना, कम मेहनत करना लेकिन बढ़िया वाला मेहनत करना। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा हम बताते हैं और इसमें बताएंगे कैसे कैसे थोड़ा सा प्रश्नों का आजकल ट्रेंड चेंज होता है। ये सिंपल सा, हर ज्योग्राफी की शुरुआत लोग यहीं से करते हैं, मैं तो नहीं कर रहा हूं लेकिन आज कर दे रहा हूं। ये सौर मंडल सोलर सिस्टम जिसमें हम सूरज के बारे में, चांद के बारे में और ग्रह नक्षत्रों के बारे में पढ़ते हैं, और यहीं से लोग अपनी ज्योग्राफी की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज पहली बार इतने साल के इतिहास में मैं यहां से शुरू कर रहा हूं आपके लिए। अब इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे हम लोग फालतू प्रश्न पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। इसमें कुल मिला के 10 से 15 ही फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और वो हमें मालूम नहीं होते, उसी से मैं थोड़ा सा आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता चलूं, क्योंकि सारा का सारा हम लोग का पीडीएफ और पीपीटी तैयार है तो हमें पढ़ाने में भी आसान होगी, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। ठीक, इसमें लिखा है कि सूर्य उसके चारों ओर चक्कर, देखे और दिया है कि नहीं, यहीं से शुरू किया है। पूरी कहानी दे रखी, चल लिखा है कि सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों एवं आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं, सौरमंडल सोलर सिस्टम। ये पूरा सिस्टम है, सिस्टम जब भी हम बात करते हैं तो उसमें कोई एक चीज नहीं होती, बहुत सारी चीजें क्या हो जाती हैं, शामिल हो जाती। तो ये भी है, वैसे बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि विश्व में सिर्फ एक सोलर सिस्टम नहीं है, अरबों खरबों सोलर सिस्टम। ये जो ब्रह्मांड है ना, इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही पृथ्वी नहीं है, अरबों खरबों पृथ्वियां, जिनके बारे में अगर आप सोचेंगे तो दिमाग फट जाएगा। इसीलिए आम आदमी इसके बारे में सोचता नहीं, इसको सोचने के लिए आपका सिर्फ दिमाग चलना चाहिए, बाकी बॉडी और कुछ नहीं चलनी चाहिए। इसीलिए एक दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्टीफन हॉकिंस, नाम सुना है आपने। स्टीफन हॉकिंस ऐसे व्यक्ति थे जिनका पूरा बॉडी बेकार, सिर्फ उनका जो है ये ब्रेन काम करता, और वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उसी ब्रेन में वो पूरे बॉडी में जो है छोटी छोटी मशीनें लगा दी और उनके सामने एक स्क्रीन लगा दिया कि वो जो सोचते थे वो उस पर लिख जाता था, और वो सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्मांड के बारे में सोचते थे। लेकिन ब्रह्मांड की असली कहानी बनाने वाला व्यक्ति, बताने वाला व्यक्ति कहीं और का नहीं था, कहां का था, बिहार का। जोर से बोलो, कहां का। जब भी कोई अच्छी बात आएगी तो मैं पूछूंगा कहां का है तो आप क्या बोलेंगे, जोर से बोलो, मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली कह रहा हूं, ठीक है ना।
दुनिया के सबसे अमीर लोग कहां रहते थे? बट यही कि था वो, अभी है नहीं। दुनिया का सबसे अमीर राजा किसी मगध में रहता था, कहां में, और पैसे के कारण ही उसका नाम हो गया महापद्म नंद। क्या हो गया? वो था नंद, लेकिन उसके पास इतना पैसा था कि होता ना करोड़पति, लखपति, अरबपति, तो उससे भी बहुत बड़ा पति था वो। तो उसका नाम था महापद्म और नंद, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। और उसकी अमीरियत को सुन के सिकंदर जो है भारत में आया था कि चलेंगे कहां पे, पटना। लेकिन दुर्भाग्य और सौभाग्य से पटना आ, पटना के लिए चला था वो, चलेंगे पटना, गांधी मैदान देखेंगे, गोलघर देखेंगे, नया टोला देखेंगे, मछुआ टोली देखेंगे, लेकिन आ नहीं पाया। क्यों यहां आना चाहता था? क्योंकि ये उसकी मां की इच्छा थी कि हमारा बेटा जो है मगध जाए। क्यों जाए? क्योंकि दुनिया के सबसे संपन्न, अमीर, पैसे वाले लोग कहां रहते हैं? दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग कहां रहते थे? और यही एरिया है, कुम्हरार जानते हैं ना, नहीं, यही पूरा एरिया है, कोई और एरिया नहीं है। प्लेयर रोड और बेली रोड नहीं, ये बगल वाला रोड है, इसका नाम है अशोक राजपथ। क्या नाम है? कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि दुनिया के पहले राजपथ पे आप चलते हैं। भारत का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोड है उसका नाम है राजपथ। क्या नाम है? राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक जो सीधे बना है, राजपथ। अब उसका नाम चेंज होके हो गया क्या? कर्तव्य पथ। क्या हो गया? लेकिन पहला राजपथ कौन सा है? ये यहीं पे दुनिया के सारे अमीर लोग टहला करते थे, और यही सुन के सिकंदर भारत में आया। लेकिन जब भारत में आया तो एंट्री नहीं कर पाया, और यहां पे उसके सैनिक गुप्तचर पहले ही चले आए, और ये सारे के सारे गुप्तचर जब वापस लौट के सिकंदर के पास गए तो सैनिकों ने पूछा, क्या पोजीशन मगध का, चलने लायक है? कहा ना भैया ना, वहां मत जाइएगा। कहा क्यों? गए तो सबकी कब्रगाह वहीं गांधी मैदान में बना देंगे सब। कहे क्यों? कहा हम लोग कुल मिला के 45,000 हैं, वो 6 लाख तो खाली घोड़ा रखे हैं सब। कितने लाख घोड़ा है? सैनिकों का तो काउंटिंग ही नहीं कर सकते। वहां का राजमहल देख के ऐसे लगता है कि कोई भगवान बनाए हैं, वैसा हम लोग राजमहल आज तक जिंदगी भर देखे नहीं है। और ये ऐसा है जगह जो आज तक हम कभी सुने भी नहीं है, देखनी तो दूर की बात है। लोग खाते हैं सोना चांदी की प्लेट में, लोग पहनते हैं सोना चांदी, कपड़े में सोना चांदी, खाने में भी सोना चांदी। वहां मिठाइयां मिलती है उसके ऊपर चांदी का अबरक लगा होता, सोने की परत लगी होती, घरों में भी सोना चांदी। वो जो गरीब है वो भी सोना चांदी वहां पहनता है। हम लोग तो तरसते हैं देखने के लिए। आज भी पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है कि अगर रिक्शे वाला भी अपनी बेटी की शादी करता है तो कम से कम नाक का कील तो सोने का दे ही देता है। लेकिन अमेरिका की राष्ट्रपति की बीबी के पूरे बॉडी में आप कहीं सोने का कोई गहना देखेंगे? क्यों? जानते नहीं तो पहनेंगे कहां से। और हमारे यहां कम से कम इतने अच्छे अच्छे फंक्शन बने हुए हैं कि जब आप लोग की शादी होगी और खुशियां आएंगी तो बच्चों को खिलाने के लिए पहला, जब आप जितने लोग हैं पहली बार जब आप खाना खाए थे ना, तो आपको चांदी के चम्मच से और कटोरी चांदी की थी, उसमें दूध रख के आपको पिलाया गया था। और कौन ले गया था? मामा। ये यहाँ का रीत है, रिवाज है, बाकी पूरी दुनिया में कहीं ये नहीं। अभी मुकेश अंबानी की बेटी की शादी थी, सबको सोने चांदी के बर्तन में ही मिला था, और सब वही सब सारे के सारे लोग जो है कुछ लोग लेके भी चले गए हों। तो संपन्नता सिर्फ उसी में नहीं थी, ये सब चीज में थी, और उसी में एक संपन्नता इसमें भी थी। और इसको करने वाले व्यक्ति का नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? फालतू आदमी थे। क्या थे? हाँ, क्या चीज? अब हम पढ़ा रहे हैं ये तो जीरो का आविष्कार। अच्छा, महानता की बात कर रहे हैं, चलो जीरो का आविष्कार, हम सोलर सिस्टम के बारे में बता। तो ये बैठ के खाली तारों को देखते रहते थे, तो लोग पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये तारों को गिन रहे हैं। तो उस जगह का नाम ही रख दिया गया तारे का नाम। क्या रख दिया गया? मालूम है आपको, बिहार में एक जगह है जिसका क्या नाम है? तारेगाना।
वही एक जगह है विश्व में ऐसी जहां पे बैठ के आप आराम से सारे के सारे ग्रह नक्षत्रों को आसानी से देख सकते हैं। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे जब सूर्य ग्रहण हुआ था तो बहुत सारे विश्व के वैज्ञानिक आए थे तारे गणना में, और उनको मालूम चला कि यहाँ आर्यभट्ट बैठ के तारों को गिनते थे, तो वो देखे और उनको इस बात का एहसास हो गया कि निश्चित रूप से उनको इस बात का पूरा ज्ञान रहा होगा। तो वास्तव में ज्ञान की जननी ये बिहार, दर्शन की जननी, ज्ञान की जननी, बुद्धि, सब कुछ यहाँ। लेकिन इस पे जो है ऊपर से धूल जम गया। कहा जाता है बिहार के लोगों के बारे में, ये एसी के डिब्बे हैं फर्स्ट क्लास वाले, लेकिन बिना इंजन के काम, एसी का डिब्बा ऐसे खड़ा रहता है, जब इंजन लगता है तभी ना सब शुरू हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग स्टार्ट करता हूं। तो इस सोलर सिस्टम के बारे में सबसे पहला ज्ञान देने वाला देश कौन सा था? भारत। कौन सा था? और भारत का मतलब ही था बिहार, मगध। पहले मगध ही सब कुछ हुआ करता था, यही राजधानी होती थी, यही पाटलिपुत्र राजधानी थी, ना कि दिल्ली, ना कि कलकत्ता, ना कि मुंबई, ना कहीं मद्रास, सारा का सारा यही होता था। लेकिन समय का पहिया घुमा और आज हम लोग रोजगार के लिए तरसते हैं, दूसरों को बताने में संकोच करते हैं कि हम बिहार के, क्योंकि वो समझ लेगा कि पिछड़े हुए। बिहार एक पिछड़ेपन का शब्द बन गया है, जबकि पहले क्या होता था, ये सबसे आगे का शब्द होता था। लोग कहते थे बिहार मने दुनिया के सबसे संपन्न लोग। तो इसके सबसे पहले उन्होंने ही बताया, और उन्होंने ही ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में, क्षुद्र ग्रहों के बारे में, आकाशीय पिंड के बारे में क्लियर व्याख्या की। उन्होंने कहा कि भाई एक सोलर सिस्टम है और ऐसा एक नहीं लाखों है, इसमें बीच में एक तारा होता है जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है, जिसको स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार। स्टार की सबसे बड़ी खासियत होती है क्या, कि उसका अपना प्रकाश होता है और अपने ही प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित। और यही प्रकाश बाकी सारे के सारे अपने सहयोगियों को बांटता है। तो जो इस तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनेट। क्या कहते हैं? प्लेनेट। और जो इन ग्रहों के चारों ओर घूमे, उपग्रह, सैटेलाइट, क्या कहते हैं उसको? जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? सैटेलाइट। क्या है? या हिंदी में क्या कहते हैं उसको? उपग्रह। क्या कहते हैं? उपग्रह। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे नीचे से भी सैटेलाइट भेजते हैं, ताकि वो पृथ्वी का फोटो खींच खींच के हमें भेजता है, तो उसको भी हम कहते हैं सैटेलाइट। क्या कहते हैं? और एक गाड़ी है जिसमें रख के भेजते हैं, तो उसको कहते हैं PSLV। पी माने होता है पोलर और एस माने सैटेलाइट, एल माने लॉन्च और वी माने व्हीकल। ऐसा व्हीकल जो पोलर एरिया में सैटेलाइट को लॉन्च कर सके, भेज सके, GSLV। ऐसा व्हीकल जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेज सके। तो जो भी ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपग्रह। क्या कहते हैं? लेकिन कुछ क्षुद्र लोग भी हैं जिनके घर परिवार का कोई अता पता टूट के इधर से उधर, उधर से उधर जाते रहते हैं, और रोज रात को हम लोग कभी कभी देख लेते हैं, जब मौसम साफ हो, छत पे सोइएगा, अचानक तारा टूटता है और फिर गायब हो जाता है। और उसमें कुछ लोग कहते हैं कि जो इच्छा हो मांग लो तो पूरी हो जाती। पता नहीं, हम तो कई साल से मांगे, अभी तक पूरी उरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग पार्ट से तारों से टूटते रहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे, उन्हीं को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। अभी एक टूट के आ रहा है पृथ्वी के पास, पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं, उसका साइज बहुत बड़ा है, वो पृथ्वी से टकराने की बात हो रही। तो नासा वाले वैज्ञानिकों ने अपना एक जो है सैटेलाइट भेजा है कि जो जिससे जाके टकरा सके और वहीं पे इसको तोड़ सके। पेपर पढ़िएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी, लेटेस्ट घटना बता रहा हूं। तो जो तारे की ओर चारों चक्कर लगाए उसको क्या कहते हैं? ग्रह। ग्रह के चारों चक्कर लगाए और अक्सर तारों से जो छोटे छोटे पार्ट टूटते रहते हैं उसको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? इसके अलावा भी बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं, इससे हवाबाजी कर रहे हैं, जानकारी अभी पूरी नहीं। लेकिन इसके पहले, इसके बारे में सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया, और उन्होंने कहा कि साहब यही सेंटर है सूरज, जहां से प्रकाश मिल रहा है, बाकी सब इसके चारों चक्कर लगाते हैं। और ये आज से 1400 साल पहले का, लेकिन आज से 400-500 साल पहले जब एक व्यक्ति ने यूरोप में ये बात कही कि साहब इस पृथ्वी के
ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो लोग उसको जिंदा जला दिए, ये पागल हो गए हो, दिखता नहीं है सूरज इधर से इधर जाता है, कभी पृथ्वी तुमको घूमते हुए दिखी है? आप भी कभी पृथ्वी को घूमते हुए दिखे? और डर भी लगता है कि अगर पृथ्वी घूमेगी तो हम गिर क्यों नहीं जाते हैं? आप ये नहीं बेटा, एक जब पूछो तो अंदर वो होगा ग्लोब, ले आके देना, बड़ा सा ग्लोब होगा, तोड़ के लेके आओ, जल्दी से बताते हैं। आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देना है मुझे, पढ़ाई वढ़ाई सब बात कीजिए। एक फैक्ट मैं आपको 5 मिनट में सब दे दूंगा जो आपके एग्जाम में आएगा, थोड़ा सा बस बेसिक समझ लीजिए। एक प्रश्न हमसे कई बच्चों ने पूछा, सर पृथ्वी इतनी तेज से घूमती है लेकिन हम लोग गिरते क्यों नहीं? गिर जाना चाहिए। तो एक है गुरुत्वाकर्षण, क्या है ये? पृथ्वी की गति के कारण, जब भी कोई गति होती है ना तो उस गति के कारण एक बल क्रिएट हो जाता है। ये पृथ्वी जो है तेजी से क्या हो रही है, घूम रही है, और हम लोग इसके अंदर नहीं रहते हैं, कहां रहते हैं? इसके ऊपर। ये पहाड़ पर्वत नाले पेड़ पौधे ये सब ऊपर हैं, नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना ये तेजी से घूमता है कि इसने एक बल क्रिएट कर लिया है जो हर चीज को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या करता है? और वो भी बताने वाले व्यक्ति कि इस पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, वो भी भारत के ही थे। कौन? न्यूटन नहीं, ब्रह्मगुप्त। ये न्यूटन फ्यूटन सब बात के लोग हैं भाई, यही तो हम लोग को सब भ्रम में डाला गया है। कहते कि तुम्हारे बाबा का शकल तुम्हारी तरह लगता है, तुम्हारा शकल ना तुम्हारी बाबा की तरह लगता है कि बाबा की शकल तुम्हारी तरह लगता है। लेकिन यूरोपियों ने यही कर दिया, न्यूटन साहब पेड़ के नीचे बैठे थे, एक सेब गिरा उनके दिमाग पे, आया कि सेब नीचे क्यों गिरता है? तो उन्होंने कहा नीचे एक बल है। इस बल के बारे में सबसे पहले व्यक्ति बताने वाले का नाम था ब्रह्मगुप्त। उन्होंने ही बताया था कि हर व्यक्ति हर वस्तु पृथ्वी पे गिरती है, जिसका मेन कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। और ये गुरुत्वाकर्षण बल कैसे क्रिएट होता है? तो जब कोई व्यक्ति जब कोई वस्तु क्या करेगी, गति करेगी, तो अपने आप में उसमें एक बल क्रिएट होता है। और ये आप देखे होंगे कब, जब ट्रेन आती है तो लोग कहते हैं बेटा थोड़ा सा स्टेशन में दूर हट जाओ, ट्रेन अपने ओर क्या कर लेती है, क्यों? गति है उसमें। क्या है? जिसमें भी गति होगा उसमें एक आकर्षण बल, उसमें एक मैग्नेटिज्म क्रिएट हो ही जाएगा। तो पृथ्वी में इसी गति के कारण एक बल क्रिएट होता है जिसको कहते हैं गुरुत्व आकर्षण बल, जो अपनी ओर हर वस्तु को खींचे रहती है, और ये वस्तु इसीलिए गिरती नहीं, ठीक है ना? तो हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी में नहीं रहते हैं। और ये पृथ्वी नो सिग्नल, तुम क्यों गिर रहे हो भाई? पृथ्वी को घुमाया था, तुमको थोड़ा ना घुमाया था। ठीक, अब इसमें इन्होंने बोला कि सूर्य सौर मंडल का क्या है, केंद्र, यानी बीच में क्या है, सूर्य, और इसी के चारों लोग क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब ये यूरोपियों की व्याख्या है। सौर मंडल की प्रथम वैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी? कॉपरनिकस ने। किसने की थी? कॉपर। कई लोग इन्हीं के बारे में कहते हैं, चूंकि हम लोग भी यूरोप का ही नकल करते हैं, उन्हीं के गुलाम रहे, तो उन्होंने जो जो कह दिया हमने क्या कर लिया, मान लिया। उसमें किए भी अगर हम उन लोग पे चढ़ाई किए होते ना, तो जो जो हम लोग कहते लोग मानते। लेकिन लोग, अच्छा देश को आजाद हुए 70 साल हुआ, लेकिन मानसिकता भी गुलामी वाली है, मजबूरन हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, शौक से नहीं पढ़ते। अगला इसी में एक पॉइंट देखते हैं हम लोग कि ब्रह्मांड के बारे में, कहा इधर उधर पकड़े इसको, कहा चला गया है? फिर चला गया कहीं? ये तो बड़ा भाई अजीब हो गया, और ये सब नालायक कहां भाग गए हैं सब? बोलो कहां है सब? जब बोला उसको कोई यहाँ कोई रहता नहीं क्या, बैठता नहीं है क्या? सब भाग गया था। सर को मैंने कहा है कि थोड़ा सा व्यवस्था में सुधारता हूं,
प्रशासन में रहा हूं ना तो जानता हूं कैसे व्यवस्था किया जाता है। सचिवालय में जाने के बाद पहला काम यह किया था कि लगभग 16 लोगों को सस्पेंड करवाया, इनको हटा दीजिए। सब लोग घबरा गए कि खराब आदमी है ये। मैं ऑफिस 9:30 बजे पहुंचता था, सफाई करने वाले 10:30 बजे आता था। क्या करें सर, फतुआ से ना आते हैं हम, के फतुआ से आते तो हमारे बात पाओगे। इसके बाद वाला गायब हो गया, नहीं आ रहा। ये वाला गायब हो गया। हमारे में यार वही सिस्टम लगा दे तो सही रहता, ऑफिस इंस्टॉल कर दो। पॉइंट ही चला गया। चलो अब हम अपने से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इसको पूरा बड़ा कर दो, ठीक है राहुल, इसको पूरा बड़ा वाला लगाओ, ठीक। ये बार बार हम छोटा वाला नहीं करते रहेंगे, क्योंकि हमारा पूरा लाइन से आता रहेगा ना। सर से कोई इसमें ऑफिस लगाए और जो भी लगवाए, घर द्वार सब लगवा दें। हमारे सिस्टम में है सब, यहाँ पे नहीं। मैं इसमें जो लिखा हूं मैं बता देता हूं, हमको सब याद है। इसमें यही लिखा हूं कि ब्रह्मांड के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में बहुत सारी सभ्यताओं को मालूम था। उसमें दो मुख्य सभ्यताएं थी, एक सभ्यता आपकी भारत की सभ्यता थी और दूसरी जो सभ्यता थी यूनान की। कहां की? यूनान वालों को भी बहुत कुछ मालूम था। जैसे भारत के लोगों को बहुत कुछ मालूम था, वैसे यूनान वालों को भी बहुत कुछ मालूम था। और यूनान में बहुत सारी चीजें भारत की तरह, वहां का जो सबसे बड़ा देवता है उस देवता का नाम है डियोडेरस। क्या नाम है? उसी तरह भारत में जो सबसे बड़ा देवता है उसका नाम है देवादिदेव। क्या नाम है? वो भी उनका जो देवता था वो पशुओं का देवता था। किसका था? और हमारा भी ये देवता था। किसका देवता था? इसीलिए उसको कहते थे पशुपति। क्या कहते थे? भगवान शंकर। उनके यहां एक बहुत बड़ा नायक था जिसका नाम था हेराक्लीस। क्या नाम था? जोर से बोलो, हेराक्लीस। वैसे ही हमारे यहां भी एक बहुत बड़ा नायक था जिसका नाम था हरे कृष्ण। क्या नाम था? वो भी ऐसे मरा, बहुत बड़ा धनुधारी था। वो ऐसे मरा कि उसके हाथ में एक जो है उसके पैर में एक छोटे से सैनिक ने बाण मार दिया। हमारे यहां भी कृष्ण की मृत्यु क्या हुई कि एक बहेलिए ने उनके पैर में क्या कर दिया, बाण मार दिया। तो उनकी बहुत सारी कहानी भारत से मिलती जुलती और बहुत सारे उनके देवी देवता भारत से मिलते। पूरी दुनिया में बस दो ही देश है, एक यूनान और दूसरा भारत, जहां पे प्रकृति के लिए अलग अलग देवता बने हुए, खूब सारे देवता बने हुए। तो उनको भी इस बात का ज्ञान था और भारत को भी। इसीलिए आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आएगा इसको ग्रीक वर्ड में ये कहते हैं या लैटिन वर्ड में ये कहते हैं। जैसे भारत की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, वैसे यूरोप की सबसे प्राचीन भाषा है लैटिन। कौन सी है? लेकिन वहां पे ज्ञान की जो भाषा है वो ग्रीक भाषा है। कौन सी है? और ग्रीक का मतलब ग्रीस, ग्रीस का मतलब एथेंस, एथेंस का मतलब यूनान, यानी यूनानियों की भाषा क्या थी? ग्रीक। तो वहां और यहां का बहुत सारे कल्चर सिमिलरिटी थी, तो इन्हीं दोनों देशों के बारे दोनों देशों को इसके बारे में जानकारी थी, बाकी किसी और को इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे ये जानकारी यूरोप पहुंची। और आपको बता दें यूरोप वालों को बहुत सारा ज्ञान तब हुआ जब वो भारत में आए। आप सोचिए पुर्तगाली भारत में आ रहा है, अंग्रेज भारत में आ रहा है, फ्रांसीसी भारत में आ रहा है, हॉलैंड डच वाले आ रहे हैं, पूरा मध्य एशिया भारत में आ रहा है। काहे के लिए आ रहे हो भाई? हम गरीब हैं, भिखारी हैं, मत आओ यहाँ पे। जाएंगे, आपको अगर जाने का मौका मिलेगा तो आप लंदन में जाएंगे कि नामीबिया घूमने जाएंगे? आप कुछ नामीबिया भी जाएंगे जंगलियों से मिलने के लिए। आप सोचेंगे कि बेस्ट प्लेस पे जाएं आप। दुनिया का बेस्ट प्लेस ये था, ज्ञान का भी बेस्ट प्लेस था। और जब मिले तब उन्होंने इसके बारे में बताना शुरू किया, वो भी 14वीं-15वीं शताब्दी में, जब हमारे यहाँ अकबर का शासन चल रहा था। उस समय उन लोगों के बारे में कुछ भी जानकारी, इतिहास में आपको बहुत सारी कहानियां बताऊंगा। तो फिर लिखा है कि सन 1490 आसपास पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? सूर्य है, और ग्रह उसके क्या करते रहते हैं, और इसी सिद्धांत के कारण इनको क्या कहते हैं? आधुनिक खगोल शास्त्र का सन कौन सा है? 1400, इससे 1000 साल पहले, लगभग 800 साल पहले यह बात भारत में आर्यभट्ट ने बता दी थी। और ये बता रहे हैं लगभग 1500 के आसपास, और इनको यूरोपीय लोग क्या कहते हैं, और हम लोग को भी यही पढ़ा जाता है कि ये कौन थे?
आधुनिक खगोल शास्त्र के अगला सन 1610 में, 1610 जहांगीर का शासनकाल चल रहा है, अकबर साहब जा चुके हैं। सन 1610 में इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, जिससे ब्रह्मांड के अध्ययन में नया परिवर्तन आया यूरोप में। भारत वाले इसके पहले इसको जानते थे, वरना इन आंखों से जमीन पर बैठ के कोई तारे नहीं गिन सकता। अगर आर्यभट्ट तारे गिना करते थे तो निश्चित रूप से उनके पास कोई ना कोई इस तरह का यंत्र रहा होगा, लेकिन उसको मान्यता यूरोप वाले नहीं देते। गैलीलियो साहब को कहा जाता है, इसका आविष्कारक माना जाता है उनको, दूरबीन का, कि जो दूर की चीजों को पास दिखा दे। देखो टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीविजन, टेली मने होता है दूर, विजन मने देखना, दूर की चीजों को जो दिखाया उसको क्या कहते हैं, टेलीविजन। टेलीफोन, टेली मने दूर, फोन मने आवाज, फोनेटिक, जो दूर की आवाज को सुना दे उसको क्या कहते हैं, टेलीफोन। उसी तरह माइक्रोस्कोप, माइक्रो मने होता है छोटा, जो छोटी छोटी चीजों को साफ दिखा दे, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, ये शब्द वहीं से आए हुए हैं। ठीक, आपको इंग्लिश वाले गुरुजी पढ़ाएंगे। ठीक है कि 16वीं शताब्दी में जोहानस केपलर ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और अन्य ग्रह अपनी कक्षा में रहकर इसकी परिक्रमा करते हैं, इसलिए केपलर को क्या कहा जाता है, नए खगोल शास्त्र का जन्म। केपलर साहब कह रहे कि साहब सूर्य बीच में है, बाकी सब लोग घूम रहे हैं। यूरोप वाले कहे, हाँ आपको कैसे मालूम, अब बस बता रहे हैं, मान लीजिए आप लोग कहा देखे हैं, कहा देखे तो नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर बैठ के आपको सूर्य कभी घूमता हुआ ही दिखाई देगा, पृथ्वी घूमती हुई दिखाई नहीं देगी। ये अंदाज लगाना ये भी बहुत बड़ी चीज है। इन्होंने अंदाज लगाया, इनको नए खगोल शास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिर लिखा है कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में ब्रह्मांड विस्फोट या बिग बैंग सिद्धांत सर्वमान्य है। ये ऐसा सिद्धांत है जिसकी बहुत सारे लोगों ने व्याख्या कर दी है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ये ऐसी उत्पत्ति जिसको समझना किसी के बस की बात ही नहीं। दुनिया का सबसे टफेस्ट जो नॉलेज है वो इसी में, एक ऐसी चीज जो हम देख नहीं पा रहे हैं। नासा ने बहुत सारे ऐसे जो है प्लेन छोड़े हुए हैं, वायुयान छोड़े हुए हैं, जो अलग अलग ग्रहों पे जा रहे हैं करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर, और यहीं से उसको गाइड किया जा रहा है। आज तक वास्तविक रूप से चंद्रमा पे कोई पहुंचा नहीं है, बेवकूफ बनाने के लिए बस अमेरिका वाले कह देते कि दो लोग पहुंच गए थे वहां, वरना आज तक उसके बाद दोबारा कोई क्यों नहीं गया। दो लोग गए थे ना, चंद्रमा के सतह पे उतरे थे ना, कौन कौन, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन, उसके बाद दोबारा कोई उतरा ही नहीं, इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया। बाकी बस उतर गए, उसका क्या, अब दोबारा हम लोग उस पर उतरेंगे नहीं, वो कहानी अपने में आप झूठी कहानी मानी जाती। ठीक है, तो अभी तक हम किसी ग्रह नक्षत्र पहुंचे नहीं। ये सिद्धांत अपने आप में बहुत बड़ा सिद्धांत है जिसके बारे में अभी हम लोग को पूरी जानकारी नहीं, लेकिन अगला छोटा सा पार्ट जो मैं बताया था, तारा, स्टार क्या होता है, वे आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का अपना क्या होता है, प्रकाश होता है, उसको क्या कहते हैं, तारा। सिंपल सा, इन तारों में कहां से प्रकाश आता है, तो ऊष्मा एवं विकिरण होता रहता है, और इसी विकिरण के कारण इसमें से क्या होता है, प्रकाश। जब भी कोई चीज टकराती है ना, तो उससे साउंड और उससे लाइट होता है, साउंड और लाइट। कभी पत्थर पे जोर से पत्थर से मारिएगा तो आपको उस पर चिंगारी दिखेगी, वही लाइट होता है। क्या होता है, तो जब कोई चीज बहुत जोर से टकराती है तो उससे साउंड का भी उत्पत्ति होता है और लाइट का भी उत्पत्ति होता है। उसी से फिजिक्स का एक और सिद्धांत आता है, चुंबकत्व तो भी पैदा होता है। क्या होता है, जब भी चीज किसी चीज में गति आ जाएगी तो क्या पैदा हो जाएगा, मैग्नेटिज्म। लिखा हुआ है कि इन तारों के आकार के बारे में अनुमान लगाना क्या है, संभव नहीं है। अत्यधिक दूरी होने के कारण ये कैसे दिखाई पड़ते हैं, इनका घनत्व तो बहुत कम है और ये गैसीय अवस्था में रहते हैं, यहां पर जीवन संभव इसीलिए नहीं हो पाता है। ये अधिकांश इनका घनत्व तो क्या है, बहुत कम, तो अगर यहां पे भी गैस, ये पूरे वो सॉलिड फॉर्म में है ही नहीं, पदार्थ की सामान्य अवस्था तीन है, ऐसे तो और भी आ गई, पांच आ गई, लेकिन सामान्य अवस्था कितनी है, तीन, ठोस, द्रव और गैस। अगर ठोस नहीं होगा, द्रव नहीं होगा, गैस नहीं होगा, तो आप रह नहीं सकते। ये जब द्रव गैस से द्रव में चेंज हुआ है तभी पानी का
निर्माण हुआ। अगर द्रव में चेंज नहीं होता तो पानी का निर्माण नहीं होता, और अगर वो ठोस में चेंज नहीं होता तो ये पानी बहुत लंबे समय तक रह नहीं पाता। बड़े बड़े पर्वतों पे ग्लेशियर हैं, अगर वो ग्लेशियर ठोस अवस्था में नहीं होते तो कब के सब पिघल के उड़ गए होते। तो ठोस भी रहना जरूरी है, गैस भी और द्रव भी, लेकिन इनका घनत्व तो बहुत कम है इसलिए ये सब गैसीय अवस्था में है, इसीलिए यहां पे जीवन संभव नहीं है। देखा कि इन तारों के चारों ओर अन्य छोटे छोटे ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक है। अब इनका उदाहरण, तारा का क्या उदाहरण है? सूर्य, क्योंकि इसकी स्वयं की अपनी एनर्जी है, लेकिन इसमें से कुछ भी आपके अभी मतलब का नहीं है, ऐसी कहानी बता रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं। ठीक है, वे आकाशीय पिंड जो तारों की परिक्रमा करते उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्लेनेट। जैसे इस समय कुल मिला के सूर्य के 8 प्लेनेट हैं। सूर्य के कितने हैं? 8। पहले कितने थे? कौन सा हट गया? उसको हटा दिया गया क्योंकि उसमें वो सारे गुण नहीं थे, अभी कुछ साल पहले हटा गया। लिखा है कि इनका स्वयं का अपना प्रकाश नहीं होता, ग्रह में स्वयं का अपना प्रकाश, ये किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तारों, तारों का उससे प्रकाश जाता है और फिर रिफ्लेक्ट होता है। एक चीज और जान जाइए, एक बहुत बढ़िया मोबाइल आता है जिसका नाम है आईफोन, जानते हैं? उसकी सबसे बड़ी खासियत एक है, फोटो बड़ा बढ़िया आता है, आप कैसे भी रहें से कोई फर्क पड़ता नहीं, वो बड़ा एंग्जायटी के एंगल में आपका फोटो लेता है और कैसे भी लोगों को हीरो हीरोइन बना देता है। मैक्सिमम जो आईफोन लोग यूज करते हैं ना, 1.5 लाख का 1 लाख का फोन आता है, उसका फोटो ही मेन यूज करना है, बाकी तो आपके आवाज में फोन में भी वही आवाज आती है, उसमें भी बाकी सारा सिस्टम है, ये थोड़ा सा सिक्योर जाता है। तो कोई भी फोटो सुंदर तभी आता है जब आपके चेहरे से मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट हो। क्या हो? रिफ्लेक्ट। अगर आपके चेहरे से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप अपने आप सुंदर लगने लगेंगे, ठीक है। इसीलिए शादी ब्याह में लड़कियों का मेकअप किया जाता है और उनके चेहरे पे एक लेयर लगा दिया जाता है और पूरा लाइट उससे रिफ्लेक्ट होता है तो उसमें वो बहुत सुंदर दिखते हैं। आजकल ऐसा काम लड़कों के साथ भी किया जाता है। लड़कियों के जितना शादी में खर्च हो रहा है सजने में, उससे दुगना आजकल लड़के खर्च कर रहे हैं, समझ आ गया? नहीं भाई, अभी तुम लोग की औकात वहां तक नहीं पहुंची है ना। जब महीने का 2-4 लाख कमाने लगोगे तो हर महीने जाके हबीब के यहाँ जाओगे और 5,000 रुपया खर्च करके चले आओगे, उससे कम में तुम्हारी बीबी सज धज के चली आएगी, ठीक। चलिए, तो ये क्या होता है कि तारों के प्रकाश से ग्रहों में क्या होता है? प्रकाश, रिफ्लेक्शन से, ठीक। लिखा है एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? कि प्राय कैसे होते हैं? जितने भी ग्रह होते हैं क्या है वो? पृथ्वी गर्म है कि ठंडी है? कैसे, क्यों ठंडी है ये बताओ, पृथ्वी ठंडी क्यों है, कौन बताएगा? हाथ उठाओ, चलिए बात बताइए साहब, खड़े होकर बताइए। पानी है इसलिए ठंडा है, और कोई दूसरा बताइए? ऑक्सीजन है इसलिए ठंडा है, और बताइए साहब। नहीं नहीं, खड़ा होकर बताएंगे साहब, जो खड़े हो ही बताएंगे, बताइए। इसलिए ठंडी है, आप झुक के या ठंडे हो जाइए, तो आप बताइए साहब। बस बिहार के लोगों की सबसे बड़ी खासियत है, साला आए कुछ नहीं, बताएंगे जरूर। कॉन्फिडेंस एकदम कूट कूट के भरा हुआ है, मालूम नहीं है लेकिन सर बताएंगे, कुछ तुक्का सही हो जाए। बोलिए साहब, आप बताइए। इसलिए हम ठंडे हैं, कहना तुम लोग को सबको मालूम है लेकिन सोच नहीं रहे हो। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा इस वायुमंडल में कौन सी गैस है? जोर से बोलो, फिर से बोलो। और नाइट्रोजन कैसी गैस है? ठंडी गैस है, इसलिए पृथ्वी कैसी है? ठंडी। जहां कहीं भी नाइट्रोजन होगा वहां का वायुमंडल, वहां की सारी चीजें कैसी होंगी? बस, और कोई रीजन नहीं, ये कोई जवाब नहीं है। ओजोन परत से लेके पूरा ग्लेशियर घुमा दिया, सिंपल था। इस वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। इसी गैस के कारण बहुत सारी गैसें मिली और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन मिल गया, तो क्या बन गया? वाटर। क्या बन गया? अगर ये नाइट्रोजन गैस नहीं होता तो
तो कभी भी यहां पे वाटर का निर्माण नहीं होता। बहुत सारे ग्रहों पे नाइट्रोजन गैस नहीं है, इसलिए वहां पे जल का निर्माण नहीं हो पाता। ठंड होगा तो आदि पास पास चला आता है, प्रकृति का नियम है। ये गैस भी आपस में आ जाते हैं, एक तरफ से हाइड्रोजन आया, एक तरफ से ऑक्सीजन आया, मिलकर बना दी H2O, सिर्फ ड्यू टू नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन नहीं होता, बहुत सारी गाड़ियों में जो बहुत स्पीड से चलती है उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है ताकि टायर ठंडा रहे, फटे नहीं। ये सब आपको मालूम है, बस दिमाग नहीं लगाना आपको। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका दिमाग लगवाऊंगा, ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? तो फिर पृथ्वी गर्म क्यों हो जाती है? वहां तो ठंडा चाहिए इसको। सूर्य के प्रकाश के, सूर्य का प्रकाश आता है, अब कहानी शुरू होती है। हमारे चारों ओर ओजोन परत है, क्या है? ओजोन परत अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी पर आने नहीं देती और एक लेयर बनाती है। तो जब वहां से लाइट के साथ साथ हीट भी आता है और जब वापस लौटता है तो पूरे हीट को ये लौटने नहीं देता है और वायुमंडल का एक तापमान 23 डिग्री के आसपास बना रहता है। अभी इस सिद्धांत को पूरे दुनिया में सिर्फ बिहार वाले जानते थे और इसीलिए पूरे विश्व में एक त्यौहार सिर्फ बिहार में ही मनाया जाता है जो अब मनाया जाएगा। कौन सा? छठ। कौन सा? यह भी साइंस है, कोई त्यौहार नहीं है, वही बताने जा रहा हूं। इसके बारे में पूरा वही बताने जा रहा हूं। क्या है सिद्धांत? कि अभी इस महीने में अब ठंड बढ़नी शुरू होती है। क्यों ठंड बढ़नी शुरू होती है? ठंड बढ़ने का कारण क्या है? सूर्य पृथ्वी से दूर जा रहा है। कोई है क्या वहां पे बेटा? कोई है? चलो यहीं आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, यहीं यहीं पे बनाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये पृथ्वी है, क्या है ये? पृथ्वी। ये भूमध्य रेखा है, क्या है ये? ये कर्क रेखा है, क्या है ये? ये क्या है? मकर है। अब तो बहुत सारी चीजें तुम लोग को याद भी है। ये सूरज भगवान है, कौन है ये? सूरज भगवान। ये सूरज भगवान यहां से लेके और यहां तक, यहीं तक सफर करते हैं, इसके ऊपर नहीं जाते हैं। कर्क रेखा से लेके मकर, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा। अभी जब गर्मी का सीजन आता है तो ये सूर्य भगवान चले आते हैं कहां पे? कर्क रेखा पे। कहां पे चले आते हैं? भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, मालूम है? हाँ या ना? मालूम है ना? तो आप लोग समझदार आदमी हैं, क्या दिक्कत है? तो जब ये सूर्य यहां पहुंचता है, यहां का वायुमंडल कैसा हो जाता है? क्या हो जाता है? ठीक। लेकिन अब अक्टूबर के महीने में ये सूर्य भगवान अब धीरे धीरे जाना शुरू हो गए यहां से और जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया घूमने। जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग यहां ठंड बढ़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन इसी मौसम में आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो वहां पे क्या होगी? गर्मी। तो जब उत्तरी गोलार्ध में ठंड होता है, दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है? हाँ, किसी से पूछोगे अभी एक महीने बाद जब आप ठंड से सिकुड़ रहे होंगे, कोई आपका रिलेटिव होगा ऑस्ट्रेलिया में, क्या कर रहा है बताला? बड़ा गर्मी लग रहा है, नहाने जा रहे हैं। रात को 3 बजे 2 बजे यहां तुम लोग सिकुड़ रहे हैं क्या? यहां गर्मी बहुत, क्योंकि सूर्य यहां पहुंच जाते हैं। तो अब सूर्य भगवान यहां से जा रहे हैं और ये जा रहे हैं तो बिहार वालों को मालूम है कि सारी के सारी ऊर्जा के स्रोत कौन है, सारे खुशियों के स्रोत कौन है। तो अब हम दुखी होने जा रहे हैं, 3 दिन व्रत रखेंगे नहाए खाए से लेके तब तक, और उगते हुए सूरज को नहीं, डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। माफी मांगते हैं कि साहब इतने दिन आप रहे, हमसे गलतियां हुई होंगी, लेकिन आप हमको छोड़ के जाइए मत, लेकिन सूर्य भगवान आपको छोड़ के आएंगे। और पूरा बिहार कहता कि देखिए आपके लिए हमने पूरा पटना सजा रखा है, आपके लिए पूरे मने जो है घर सजा रखा है, साफ सुथरा, छोड़ के जाइए मत, हम सब कुछ रखेंगे। कहा ना, जाना है तो। और फिर बहुत हम लोग मन्नत मांगते हैं लेकिन वो जाते हैं, चले जाएंगे कहां पे? ऑस्ट्रेलिया। फिर वहां से दिसंबर में हम लोग मैसेज भेजते रहते हैं, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। जनवरी में वहां से मैसेज आता है, आ रहे हैं। और
जब वो आते हैं तो हम लोग पूरे उत्तर भारत वाले खुश हो जाते हैं, और 14 और 15 जनवरी को क्या मंगाते हैं, मकर। कि अब ये सूर्य भगवान इस मकर रेखा को छोड़ के कहां आने वाले हैं, जोर से बोलो, इस रेखा पे। और ये काम शुरू होता है 14-15 जनवरी तक। 14-15 जनवरी तक हम कोई भी शुभ काम नहीं करते, 15 जनवरी से शुरू होता है। और जहां ये मैसेज मिलता है तो सब लोग छत पे चढ़ जाते हैं देखने के लिए कि सूर्य भगवान आए कि। तो भारत के अधिकांश जगहों पे लोग पतंग उड़ाते हैं ताकि सूरज भगवान क्या हो, दिखाई दे, क्योंकि अभी सूरज भगवान आ रहे हैं तो बहुत सारी खुशियां लेके आ रहे हैं। और करते करते ये सूर्य भगवान अप्रैल और महीने के महीने में कहां जाते हैं, कर्क रेखा पे, कहां पे। और जब ये आना शुरू होते हैं उसी समय मार्च और अप्रैल से हमारे यहां सबसे महत्वपूर्ण फसल है रबी की फसल। कौन सी और कौन सा फसल, ये कटना शुरू हो जाता है या ना। और ये कटता ही नहीं है, सारे खेत खलियान खाली हो जाते हैं, लगन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, जम के शादियां होती हैं। किस महीने में, ड्यू टू सूरज भगवान। और जब ये सूरज भगवान यहां आ जाते हैं तो जून और जुलाई के महीने से यहां वर्षा क्या हो जाती है, और यही वर्षा जिसमें भारत में ये जो पानी आता है दक्षिण पश्चिम मानसून से वो बारिश करता है, और जब बारिश करता है तो जहां सूखा भी पड़ा रहता है वहां हरियाली हो जाती है। और यही वो महीना है जिसमें हम लोग के यहाँ चारों ओर जो है ताल तलिया क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं, और फिर शुरू हो जाती है हम लोग के यहाँ कौन सी, खरीफ की फसल की तैयारी, आया ना। तो ये कारण जो है ये त्योहार नहीं है, ये सब इस सोलर सिस्टम की वैज्ञानिक व्याख्या है जो कहां के लोग जानते थे, समझ में आ रहा है। और यही नहीं, जब ये आते हैं तो यहां भी मार्च और अप्रैल के महीने में चैत का महीना शुरू होता है, और तब फिर एक नवरात्रि होती है और छठ होता है जिसमें लोग बड़े खुश होते हैं, आया ना, उस सूर्य भगवान के आने की खुशी में। पूरी दुनिया में इस सिद्धांत को कोई और सिर्फ कहां के लोग जानते थे, मतलब आप लोग कितने लोग महान हैं, आप लोग अभी तो तुम्हारा छठ हो रहा है, ठीक है। चलिए, टाइम हमारा बीत चुका है, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो 10-20 घंटे भी आपकी कहानी खत्म नहीं होगी। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, और ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, थोड़ा सा अपने सिस्टम में लेके आऊंगा मैं, और सारी चीजों को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। बस शांति के साथ साथ ज्ञान जो दे रहा हूँ चुपचाप लेते रहिएगा, जहां मुझे लग जाएगा कि आपका दिमाग कंसंट्रेशन हो गया, हमारे लेवल से मिल गया है, आपको मैं फैक्ट देना शुरू कर दूंगा, ठीक। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक सभी को धन्यवाद। और हो सकता है कि कल क्लास ना हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, तो सर जैसा बोलेंगे वीके गुप्ता सर अनाउंस करेंगे। आप लोग को यहाँ का टेलीग्राम चैनल मालूम होगा, इंजीनियर गुप्ता सर, इंजीनियर वीके गुप्ता सर, ठीक है। या फिर हम लोग का भी है रमांशु जी क्लासेस ऑफिशियल, वो भी टेलीग्राम, दोनों पे दे दिया जाएगा मैसेज कल क्लास होगी कि नहीं होगी, ठीक है, सर से बता रहे इन्फॉर्म कर देंगे। तो हम लोग आगे मिलेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक सभी को जय हिंद जय भारत, थैंक यू।